हाँ तो गाइज वेलकम करता हूँ मैं आपका एक और सीआरटी एक्सपीरियंस वीडियो में। एक और हफ्ता कंप्लीट हो गया मेरी सीआरटी को और इस बार टेक्निकल की क्लासेस थी, तो मेरे को इसका रिव्यू सच बताऊँ तो करना बिल्कुल भी नहीं था, पर जब मैंने व्यूज देखे पहले वाले वीडियो पे तो मुझे पता चल गया कि ये काम तो अब करना ही पड़ेगा। तो एक हफ्ता हो गया मेरे टेक्निकल क्लासेस को खत्म। अब मैं बताता हूँ आपको कि पिछले एक हफ्ते में मैंने क्या सीखा है। पिछला एक हफ्ता मैं सच बताऊँ शुरू के 3 या 4 दिन मुझे बिल्कुल होश नहीं है मैंने क्या करा। मतलब ऐसा लग रहा था कि मैंने सुबह गांजा मारा हो और शाम को अपने आप शाम हुई और मैंने क्लास बंद करी है, मैं सोया हूँ, उठाऊँ, फिर से गांजा मारा और फिर से सो गया। शुरू के 3 या फिर 4 दिन में हमारी मैडम पढ़ा रही थी बिजनेस इन्फॉर्मेशन। ये पता नहीं किसने इसे सब्जेक्ट बनाया। और मैं सच बताऊँ मैं PCM से हूँ तो मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है जानने में कंपनी कैसे चलाते हैं, कैसे क्या करते हैं। पर मैम बोल रही थी थोड़ा इंपॉर्टेंट है पढ़ना, तो नोट्स वोट्स बना लो। वो काम तो मैंने आखिरकार करा नहीं है, पर मैं इतना आपको बता सकता हूँ कि मैं खूब सोया हूँ 3 दिन में। मैंने अगले दिन की वीडियो जो मेरे पास थी एडिट करने के लिए, वो भी मैंने वहीं बैठ के करी है। मैम ने कैमरा ऑन करने को बोल नहीं रखा था, मैम ने ये बोला था कैमरा ऑन करना कंपलसरी नहीं है और हम इतने अच्छे हैं नहीं कि हम ऑन कर देंगे, तो मैंने अपना कैमरा कर रखा था बंद। और मैंने अपना कैमरा बंद करके क्या तो मैं सो ही जा रहा था। मुझे बस इतना याद रहता था कि मैडम मेरा नाम बोल रही है अटेंडेंस के लिए, तो जब मेरे को उठना होता था, मतलब जैसे मान लो पहले दिन में मैंने क्या करा, मैंने सोया, दूसरे दिन में मैंने वीडियो एडिट करी, तीसरे दिन में मैंने अगली वीडियो रिकॉर्ड कर ली। 3 दिन तो मैंने यही करा जो मैं आपको बता चुका हूँ। उन 3 दिनों का मेरे पास सच बता रहा हूँ कोई भी नोट्स वगैरह कुछ भी नहीं है। बस ये है कि मैडम जो बोलती थी ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर मैं जाग रहा था तो मैं उसे लिख लेता था, अगर मैं सो ही रहा था तो मैं क्या ही बताऊँ। सोते टाइम तो मैंने कुछ भी नहीं करा। और बस ये है कि दिन में 2 बार अटेंडेंस होती थी हमारी, एक बार सुबह, सबसे सुबह मतलब जाते ही क्लास में, उसमें तो मैं जागता ही था, और एक बार होती थी दोपहर में। तो दोपहर के टाइम मैं सारी अटेंडेंस में था, मेरी अटेंडेंस पूरी 100% है। और फिर हमारे क्विज स्टार्ट हो गए थे, क्विज हमारे डेली क्विज हो रहे थे और हमारे वीकली क्विज हो रहे थे। वीकली क्विज मतलब अभी हुआ था पहला क्विज। तो डेली क्विज में मैं आपको बताता हूँ क्या होता था। 10 क्वेश्चन आते थे और 10 क्वेश्चन 10 नंबर के होते थे, ठीक है। तो पहले क्विज में मैंने स्कोर करा 9.0, मतलब 90% नंबर आए मेरे, ठीक है। टॉपर वॉपर मैं नहीं हूँ तो ताली वाली बजाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो पहले क्विज में मेरे 90% नंबर आ गए, हमें आ गया कॉन्फिडेंस। सेकंड डे वाले क्विज में मेरे आए 50% नंबर, अब भी टॉपर नहीं हूँ मैं, तो इस बार थोड़ा कॉन्फिडेंस गिर गया। तीसरे वाले क्विज में मेरे पता नहीं कितने नंबर आए थे, 70 आए थे शायद, 70% नंबर, मतलब 7 क्वेश्चन मेरे सही थे, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, किसी में भी आंख बंद करके टिक मार देने का बस। तो यही चल रहा था। तो 3 दिन का मैंने आपको बता दिया, 1 तारीख की छुट्टी थी, शुक्रवार को डिजिटल लॉजिक स्टार्ट करवाया था, शनिवार को भी क्लास लगी थी क्योंकि 1 तारीख की छुट्टी थी, तो शनिवार वाली क्लास में हमें डिजिटल लॉजिक खत्म करवा दिया। तो डिजिटल लॉजिक है वो मेरे को काफी सही लगा और मैंने इसके बहुत सारे नोट्स बनाए हैं, मतलब इसके इतने नोट्स बनाए हैं क्या ही बताऊं, मुझे ऐसा लगता है यही याद आएगा पूरे पेपर में। मैंने मैम ने जो ये बोला है ना कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, वो भी लिख लिया डिजिटल लॉजिक में, इतने ज्यादा नोट्स बनाए हैं डिजिटल लॉजिक के। वो अलग बात है मैं उर्दू में नोट्स बनाता हूँ तो आपको समझ में तो आएंगे नहीं, मतलब वो वाली उर्दू नहीं, मेरी वाली उर्दू, ठीक है। तो अगर किसी को लगता है कि मेरे नोट्स उसके काम आ सकते हैं तो भाई कर देना, आई भी मैं दे दूंगा आपको, और तो क्या है। हाँ तो हर दिन हो रहे थे हमारे क्विज, डेली क्विज थे, DLK भी क्विज हुए थे, उसमें जो बिजनेस इन्फॉर्मेशन के क्विज हुए थे, पहले के मैंने आपको मार्क्स बता दिए, दूसरे के मार्क्स बता दिए, तीसरे के मार्क्स बता दिए। चौथे दिन छुट्टी थी, शुक्रवार को क्लास लगी थी, शनिवार को क्लास लगी थी। शनिवार को क्लास लगने के बाद सुनो मेरी बात, पहले मैं आपको बता देता हूँ टाइम टेबल के हिसाब से ऐसा था कि 3 क्लास लगेंगी आपकी टेक्निकल, 1 क्लास लगेगी आपकी कम्युनिकेशन, ठीक है। तो कम्युनिकेशन वाली क्लास में अभी क्या चल रहा था, कम्युनिकेशन वाली क्लास में हमें प्री वर्ड सेंट के लिए तैयार कर रहे थे, जो कि कब है, शनिवार को, मतलब आज संडे है, मुझे नहीं पता ये वीडियो मैं मंडे को डाल रहा हूँ शायद, हाँ तो मंडे मान लो आप। तो शनिवार को हमारा होना था प्री वर्ड सेंट, पर वो नहीं हो पाया, पता नहीं क्यों, क्योंकि हमारे पास मेल नहीं आया। तो आप ये समझ लो कि इनका कोई ऐप है जिसकी एक्टिवेशन की हमें आनी थी हमारे मेल पे, जो नहीं आई तो हमारा प्री वर्ड सेंट नहीं हुआ। प्री वर्ड सेंट अब होगा हमारा मंडे को, यानी अगर आप ये वीडियो मंडे को देख रहे हो तो मेरा वर्सेंट हो चुका होगा जितना मुझे लगता है। तो इससे पहले हमारा क्या करवाया था मैं बता देता हूँ, शुक्रवार को हमारा, शुक्र को नहीं, शुक्र से पहले क्या था, थर्सडे। तो थर्सडे को क्या हुआ था, थर्सडे को हमारा सर ने एक कम्युनिकेशन की क्लास में एक नया तरह का
चिलम पकवाना शुरू करवाया था मैं। उसमें क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ, सिंपल सा आपको कुछ नहीं करना, सर आपका नाम लेंगे रोल नंबर वाइज, और मैं बता दूँ मेरा रोल नंबर 28 है। क्यों? क्योंकि एक तो मेरा नाम वी से स्टार्ट होता है और दूसरा मेरा सरनेम नहीं है कागजों में, डॉट है, तो इस वजह से डॉट की वजह से और वी की वजह से मेरा नाम सबसे लास्ट में आता है। तो मैंने आपको पहले भी बता रखा है मेरे बैच में 28 बच्चे हैं और 28 के 28 में से 27 बच्चे जो हैं वो सारे साउथ के हैं, मैं अकेला नॉर्थ का हूँ जिसका रोल नंबर सबसे लास्ट में है। ठीक है, तो थर्सडे को सर ने शुरू करा, उसमें क्या होता था सर आपका नाम लेंगे रोल नंबर वाइज, आपको एक मिनट मिलेगा, सर एक टॉपिक का नाम देंगे, एक मिनट के अंदर आपको एक मिनट जितना प्रिपेयर कर लेना है कि आप एक मिनट उस टॉपिक पे बोल पाओ। कुछ समझ नहीं आया मुझे पता है, मैंने घोच-पोच कर दिया, मैं बता देता हूँ। मान लो सर ने मेरा नाम लिया, मेरा नाम लेने के बाद मुझे एक टॉपिक दिया, मेरे को एक मिनट दिया कुछ बोलने के लिए उस पे, और उसके बाद मेरे को एक मिनट तक उस पे बोलते रहना है। ठीक है, तो थर्सडे को मेरा नंबर नहीं आ पाया था क्योंकि मेरा रोल नंबर सबसे लास्ट में है। तो फ्राइडे को मेरा नंबर आया था जिसमें मैंने बहुत बहुत गंदी तरीके से, ये तो मुद्दे लगा, क्या ही बताऊं आपको, कर दिया था। हाँ, मतलब बहुत ही गंदा गया था मेरा वो। सर ने मेरा नाम बोला, मेरा टॉपिक था शुड स्मार्टफोन्स बी अलाउडेड इन क्लासरूम्स, ये मेरा टॉपिक था। मैंने स्टार्टिंग इतनी मस्त करी क्या ही बताऊं, स्टार्टिंग में मैंने गुड आफ्टरनून बोल दिया और फिर उसके बाद सारे बच्चों को गुड आफ्टरनून विश करा और थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस चांस वंस बोल दिया। उसके बाद मेरे फादर आ गए, ये फंस गया सी है। उन्होंने गेट खोला मेरे रूम का और जैसे ही मैंने उन्हें देखा जितना मेरे को आता था मैं वो भी भूल गया। मेरे हाथ में मेरा खुद का स्मार्टफोन था, मैंने इसी में से दो लाइन टेपी और वो बोल दी। तो सर ने बोला कि तुम तो देख के बोल रहे हो भाई ये सब इंग्लिश में, तो ये तो अच्छी बात नहीं है। उसके बाद नंबर दे रहे थे वो, मैं 5 या फिर 6 फैक्टर थे जिनके बेस पर हमें नंबर मिलने वाले थे, वो नंबर उन्होंने दिए। तो मुझे ऐसा लगता है शुरू के 2-3 फैक्टरों के नंबर तो उन्होंने मेरे को पहले ही दे दिए होंगे, पर जैसे ही मैंने देख के बोलना शुरू करा होगा उन्हें अच्छा नहीं लगा होगा और उन्होंने कम नंबर कर दिए होंगे। छोड़ो, वो तो आगे परसेंट में कर लेंगे अपने आप मैनेज। तो कम्युनिकेशन की क्लास का मैंने आपको बता ही दिया, 3 या 4 दिन से यही चल रहा था हमारा, हमारी फ्लुएंसी को बढ़ाया जा रहा था। फ्लुएंसी बोले तो या फिर जैसे मैक्सिकन लोग बोलते हैं, मतलब इंडिया के लोगों की तरह बिल्कुल नहीं बोलते हैं। ठीक है, तो कम्युनिकेशन की क्लास में चला ये सब कुछ, बिजनेस इन्फॉर्मेशन में मैंने आपको बताई दिया। और मैं आपको बता दूं मेरे सारे क्विजों के जो नंबर हैं वो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूं। मैं बहुत तगड़ा नहीं पढ़ता भाई, बस ये है कि पता नहीं कैसे हो जाता है, आसान क्विज आता है। फ्राइडे को हमें मिला था असेसमेंट जिसके वीडियो मैंने पता नहीं क्यों पोस्ट कर दिए। अगर आपका भी सेम असेसमेंट आए तो आप वही टिप्पा पिट्टी मार लेना, कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है। मैंने लिंक दे रखी है सारे आंसरों की, टेलीग्राम चैनल दे रखा है, उस पर क्लिक करना, अपने खुद के आंसर बनाना या फिर उन्हीं क्वेश्चनों को कॉपी पेस्ट मार देना। ठीक है, असेसमेंट का मैंने आपको बता दिया। वीकली क्विज हुआ था हमारा एक, ये मैं आपको बता देता हूँ, ये कुछ नई चीज थी। डेली क्विज में क्या था, 10 क्वेश्चन आ रहे थे, 10 मिनट मिल रहे थे, मैं आराम से कर दे रहा था। ठीक है, पर वीकली क्विज में क्या था, 30 मिनट मिले थे, 30 क्वेश्चन आए थे और मैम ने बोला था 30 नंबर का क्विज है। ठीक है, तो जैसे ही मैंने अपना क्विज सबमिट करा थोड़ी देर के लिए मेरी जान मेरे हाथ में आ गई थी क्योंकि मेरे नंबर आ रहे थे 8.3, तो थोड़ी देर के लिए सब कुछ हाथ में आया, 8.33 नंबर आ रहे थे 30 में से। मुझे यही लगा भाई 30 में से ये नंबर तो कहीं कुछ भी सही नहीं हुए, और डिजिटल लॉजिक तो मुझे अच्छे से समझ में आ रहा है, जबकि तो डिजिटल लॉजिक जो था मेरे हिसाब से वो मेरा सबसे सही था, पर मेरे नंबर 8.33 इतने में तो कुछ नहीं हो पाएगा, मैं तो पास भी नहीं हो पाया, आधे नंबर भी नहीं आए, तो बाकी सब में मैंने बढ़िया नंबर परफॉर्म कर रखे हैं। तो उसके बाद मैंने अपना स्कोर देखा और मैं चुप जाके क्लास में बैठ गया। बाकी सब बच्चे, मतलब ऐसा होता है मैम ना बताती हैं, जब बाकी सब बच्चे अपने टेस्ट दे लेते हैं ना, जब उसके बाद मैम बताती हैं कि इसका ऐसा गया इसका ऐसा गया, मैंने कहा सुन लेंगे थोड़ी बहुत डांट वाट और तो क्या है, पर मैंने तो अपनी तरफ से बढ़िया ही करा था। तो बाद में एकदम से मैम ने बताया कि भाई ये तो 10 नंबर का था, मैंने कहा 10 नंबर का था और मेरे 8.5 आए हैं, बहुत सही। तो कुल मिला के ये है कि वो 10 ही नंबर का था, बस 30 क्वेश्चन थे वीकली क्विज में, वो भी मेरा ठीक ही गया है। और मतलब क्विज बहुत हार्ड नहीं आता, अगर आप पीपीटी सही से पढ़ लो जो मैडम के पास होती है तो कोई क्वेश्चन ऊपर से जाएगा ही नहीं, सब पीपीटी में से आ लेता है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, बस पीपीटी पढ़ लो, पीपीटी में से सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। और इसके बाद बात करते हैं, पूरा हफ्ता खत्म हो गया ऐसे ही पता ही नहीं चला। मैं उठता हूँ सुबह सुबह, सोमवार मंगलवार बुधवार
इन 3 दिनों में, 4थे दिन में भी शायद, मैं उठा, गांजा मारा और पूरा दिन बीत गया और मैं फिर दोबारा सो गया। ठीक है, यही काम मैं कर रहा था। तो मेरे से बिजनेस इन्फॉर्मेशन का तो कुछ पूछना मत, कि मतलब क्या ही पढ़ाया था। मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा बहुत, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, एम्प्लॉय, वो CEO, HR वर्क, एक बात याद है बस कि HR का काम क्या होता है, हायरिंग एंड फायरिंग, ये याद है। ठीक है, और दूसरा कि वो पब्लिक कंपनी कौन सी होती है, शेयर्स क्या होता है, असिस्ट क्या होता है, रिसोर्सेज वैल्यू, ये सब चीजें पढ़ाई थी जो मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आई। तो मैं इन सबको स्किप करता हूँ और देख लो पूरे हफ्ते में सब सही चला है मतलब। और डिजिटल लॉजिक में मैम ने कैमरा खुलवाया था, मैं पहले बता देता हूँ, अगर मैंने ये बात अब तक नहीं बोली है तो। बिजनेस इन्फॉर्मेशन में हमने कैमरा बिल्कुल नहीं खोला था, मतलब मैंने नहीं खोला था, बाकी बच्चों ने खोल रखा था। डिजिटल लॉजिक में मैंने कैमरा खोल रखा था, तो इसलिए मैं एक्टिव भी था, मैंने नोट्स वोट्स बनाए हैं और सही से समझ भी आया है टॉपिक। कल से स्टार्ट होगी कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, मतलब मंडे से, मुझे नहीं पता आप वीडियो कब देख रहे हो, और मंडे को ही मेरा वर्सेंट है, प्री वर्सेंट। तो इन दोनों का भी मैं आपको बताता हूँ, प्री वर्सेंट का वीडियो बनाना है और मैं HCL टेक भी तक कैसे पहुंचा ये भी वीडियो बनाना है। और वीडियो को थोड़ा बहुत सोच रहा हूँ कि हिंदी की जगह इंग्लिश में बनाना शुरू कर दूँ, पर फिर मैंने सोचा कि हिंदी तो सही से बोली नहीं जा रही, इंग्लिश में तो हम क्या ही कर लेंगे। तो अभी के लिए हिंदी कंटिन्यू रखते हैं, देखते हैं आगे जाके फाउंडेशन ट्रेनिंग के बाद अगर कुछ हुआ तो कर सकते हैं हम चेंज, जो जो मैंने सोच रखे है वो भी बनाएंगे। इंटरव्यू के लिए टिप्स भी बनानी है, और क्या था एक चीज़ और थी कि टेस्ट कैसे पास करें, टेस्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, कंटेंट बहुत सारा है बस टाइम ही नहीं है, तो वो सब भी बना देंगे। अभी बस कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन कल से स्टार्ट होगी, जैसे ही कैमरा ऑन नहीं हुआ तो मैं पक्का कुछ ना कुछ बना ही दूंगा बैठकर। तो अगर कैमरा ऑन हुआ तो कुछ हो नहीं पाएगा, पर वर्सेंट वाली वीडियो कल बना लूंगा साथ साथ, कि वर्सेंट में वो कैसे क्या पूछ रहा है AI, और देखूं क्या वर्सेंट के नाम पर क्या हुआ कर रखा है, हम भी देख लें कल उसे, वर्सेंट ही देखें कल। ठीक है, तो दोबारा बोल रहा हूँ, वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बाय। When you